हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हम हैंडल बार राइजर्स पर। और इसके पहले मैं आप एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो और बना सकें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली हैंडल बार राइजर्स के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि ये इतना जो हिस्सा है वो हैंडल बार राइजर है। और इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, मॉडिफिकेशन वाली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो वो वीडियो। तो वहाँ पे बस मैंने कहा था कि इसको मैंने इंस्टॉल किया, बट ये कितना यूज़फुल है और इसको लगाते वक्त मैंने कितने कितने पापड़ बेले हैं वो मैंने आपको नहीं बताया था। सो गाइस, आपको कोई भी बता देगा कि ये कितने के मिलते हैं और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम्स आती है इसको इंस्टॉल करते वक्त वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो हैंडलबार राइजर्स हैं मैंने HDT कस्टम से लिए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ये मुंबई में है, जुहू में। तो अगर आप गूगल भी कर लोगे HDT कस्टम्स तो आप वहाँ पे जाकर उनसे ये इंस्टॉल करा सकते हो। और उन्होंने मुझसे इसके 1000 रुपीज़ चार्ज किए थे। और काफ़ी हेल्पफुल है ये प्रोडक्ट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि मैं जब धर्मशाला से मुंबई आ रहा था तो काफ़ी लंबी राइड हो गई थी और उसकी वजह से मेरे बैक, अपर बैक में, एक्चुअली नॉट लोअर बैक, अपर बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया था। तो वो तो अभी नहीं है। और इसे इंस्टॉल करने के बाद मुझे काफ़ी राहत मिली है। अब देख सकते हो उसे कैसे इंस्टॉल किया गया है। अभी तो बेसिकली ये जो ब्लैक वाला होता है वो यहाँ होता है, लेकिन बीच में इतना ये राइजर की वजह से इतना गैप आ गया और आपका हैंडल बार जो है इतना ऊपर चला गया है। तो जब भी आप इंस्टॉल करो, इसके इशू ये आता है कि जैसे कि ये जो बाइक है वो ABS है, ABS नहीं होने की वजह से इसके जो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रेक के जो वायर है, ब्रेक वायर्स जो है यहाँ पे, शायद आप देख सकते हो काफ़ी अंधेरा है एक्चुअली यहाँ पे। जी हाँ, तो अब जो ब्रेक के जो वायर्स है अब यहाँ से देख सकते हो, जो ब्रेक के वायर्स यहाँ स्टार्ट होते हैं ये खिंच जाते हैं अगर हैंडल बार आप अगर कोई बड़ा लगाओगे तो। फिर मैंने बड़े हैंडल लगाने का ट्राई किया था इसके अंदर, लेकिन वही इशू आ रहा था कि ब्रेक वायर्स इसमें छोटे हैं और ABS होने की वजह से इसमें कुछ चेंजेस आप कर नहीं सकते हैंडल बार को लेकर। तो फिर भी मैंने जब ये इंस्टॉल किया, मुझे ये इशू आ रहा था कि इसके वजह से जो ब्रेक का जो लीवर है, अगर आप ये लीवर देख सकते हो यहाँ पर, मैं इस एंगल से दिखाता हूँ, ये बेसिकली यहाँ होता है लेकिन उसको हमें नीचे करना पड़ा ताकि जो वायर से ज़्यादा खींचे नहीं। तो आप ध्यान रखिए जब भी आप राइजर्स, स्पेशली जब ABS वाली बाइक हो, स्पेशली हॉर्नेट में, बाकी बाइक्स का आई हैव नो आइडिया, लेकिन जब हॉर्नेट ABS वाले में आप अगर ये राइजर डाल रहे हो तो आपको जो ब्रेक लीवर जो है, ये जो ब्रेक लीवर है इसको आपको हल्का सा नीचे की तरफ करना पड़ेगा। वो आपके कम्फर्ट के हिसाब से कीजिएगा कि आपको कितना ज़रूरी लगता है। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे ये कर लिया है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें हैं हैंडल बार राइजर्स को लेकर। आप HDT कस्टम से ऑर्डर कर सकते हैं, जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए काफ़ी इजी है। आप गूगल कीजिए, जैसे मैं बताया था कि आप यू जाकर भी उनके यहाँ पे वर्कशॉप में जाकर राइजर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और काफ़ी सारे बाइक्स के लिए हैं उनके पास, और हिमालयंस के लिए है, FGs के लिए है, ऑलमोस्ट सभी बाइक्स के लिए आपको जाके वहाँ पे इंक्वायरी करनी होगी। तो मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है हमें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।